मीरा भयंदर 145 विधानसभा की आज की इस प्रचार सभा में मंच पे उपस्थित राजस्थान के मंत्री हमारे मित्र डॉक्टर रघु शर्मा जी, विधायक सुरेश मोदी जी, हाल ही में जो लोकसभा के एनसीपी कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हमारे दोस्त आनंद परांजपे जी, मंच पे उपस्थित चंदन सिंह, राजपुरोहित खेत सिंह, मेड़तिया घनश्याम पटाड़िया, बीरबल बिश्नोई जी, सोनराज जैन जी, सीडी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, विपिन नायक, एडवोकेट किशोर सावंत, सीपीएम के सुमेर सिंह जी, ओम सिंह चंद्राई जी, संतोष पेंडुलकर एनसीपी के, डीपी सिंह जी, राकेश राजपुरोहित, याकूब कुरेशी, सुरेश दलवी, अंकुश मालुसरे, लीलाताई पाटिल, उमा श्याम पाटिल, उमर कपूर, उमेश यादव, जितीश वोरा, शैलेंद्र दुबे, राहुल पारेख, राजकुमार मिश्रा, जकी पटेल, सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, पत्रकार मित्रों, मीरा भयंदर विधानसभा का चुनाव शर्मा जी एक अलग रंग से ये चुनाव चल रहा है। पिछले 5 सालों में भाजपा और सेना की सरकार और उनके जाहिरनामे में जो जो वचन उन्होंने दिया था उन वचनों में से एक भी काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। मगर शहर में सब जगह फलक लगते हैं कि हमने सारे काम कर दिया और हमें गर्व है। एक शहर अगर बनाना हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो 5 साल में बन सकता है? हाथ उठा के बताइए, बन सकता है? मगर यहां के विधायक इस बात का प्रचार करते हैं कि हमने 5 साल में पूरा शहर बना के खड़ा कर दिया। मैं भी नगर सेवक रहा 3 बार और उप महापौर भी रहा, और जब मैं उप महापौर था उसी वक्त मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया। विधान परिषद का सदस्य का फॉर्म भरने से पहले मैंने अपने नगर सेवक पद का और उप महापौर पद का राजीनामा दिया, उसके बाद विधान परिषद का मैंने फॉर्म भरा। मगर इस विधायक ने आमदार की जीत के आने के बाद भी विधानसभा तो नहीं गए और ना कि नगर सेवक पद का राजीनामा दिया, बल्कि महानगर पालिका में ही बैठ करके काम किया। और क्या काम किया? तो आज इस शहर में जो भ्रष्टाचार और अन्याय आपको नजर आता है, ये काम इस शहर में हुआ है। इस जैसल पार्क से हमेशा कांग्रेस के नगर सेवक चुन करके आए हैं, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जब अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करते हैं तो उनको दल बदलू कहा जाता है। जिस पार्टी ने लोगों को अपना नाम दिया, पद दिया, टिकट दी, औहदा दिया, और वो जब अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें दल बदलू कहा जाता है, उन्हें गद्दार भी कहा जाता है। रघुवीर जी, हमने 1985 में सिर्फ एक वार्ड का प्रेसिडेंट करके मेरी नियुक्ति हुई थी मीरा रोड में। तब
इस शहर की आबादी सिर्फ 1 लाख के आसपास थी और 91 में जब पहली बार मैं नगर सेवक बना तब इस शहर की आबादी 2.25 लाख थी। तब हमने इस शहर का पूरा नक्शा तैयार किया, डेवलपमेंट प्लान तैयार किया और उस डेवलपमेंट प्लान के तहत आज जो आपको इस शहर में चाहे जैसे पार्क चौपाटी नजर आती हो या बस स्टैंड कहीं नजर आता हो या गार्डन प्लेग्राउंड नजर आता है या रास्ते शहर में नजर आते हैं या स्मशान कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड हॉस्पिटल जॉगर्स पार्क गार्डन्स आपको कहीं नजर आते हैं तो वो उस डेवलपमेंट प्लान बनाने की वजह से नजर आते हैं। और उस डेवलपमेंट प्लान बना करके उसको अमल में लाने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस गांव को एक शहर का रूप देने के लिए हमको 25 साल लगे 25 साल और अभी के विधायक कहते हैं कि मैंने 5 साल में शहर बना दिया। ये भी नगर सेवक थे, अपक्ष नगर सेवक थे, इंडिपेंडेंट नगर सेवक थे, तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गलियारों में चक्कर लगाया करते थे कि ये पद मिल जाए वो पद मिल जाए। आज वो सवाल उपस्थित करते हैं कि मुजफ्फर हुसैन का शहर से क्या संबंध है, वो यहां शहर में रहते ही नहीं थे। तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा उनको कि गणपति दर्शन के लिए मंडल में अपने बुलाने के लिए आप ही हर साल मेरे मुझे दरवाजे पर आया करते थे। इस शहर के लिए हमने पिछले 30-35 साल दिए और इन 30-35 सालों में हमारा पूरा परिवार इस राजनीति और समाजकरण में रहा है, मगर एक आरोप भ्रष्टाचार का हो या अन्याय का हो कोई बता नहीं सकता इस शहर में। मगर इस विधायक के ऊपर विधानसभा में जब प्रश्न उठा, आनंद परांजपे जी जितेंद्र अवार्ड जी ने आपके प्रश्न उठाया था, जयंत पाटिल जी ने प्रश्न उठाया था, तब उस मरतबा इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, 7-11 का मालक मैं नहीं हूं और अगर मुझ पे एक भी क्रिमिनल केस कोई दिखा दे तो मैं राजीनामा दे दूंगा, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज इलेक्शन का जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है उसके साथ जो एफिडेविट लगा है उसमें 22 क्रिमिनल केसेस है, 22। तब इनको क्या चुनाव लड़ना चाहिए कि अपना फॉर्म वापस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति कायदे मंदिर में, विधानसभा को कायदा मंदिर कहा जाता है, उस कायदे मंदिर में अगर झूठ बोल सकता है तो आपके हमारे इस शहर में कितना झूठ बोल सकता है। झूठों का भंडार है ये सबवे, हमारे वक्त में काम शुरू हुआ। चौपाटी मेरे आमदार निधि से बनी है, वहां गार्डन के ऊपर जाके मेरा बोर्ड देख लीजिए, मेरे आमदार निधि से बनी है। इनके आमदार निधि से इस शहर में क्या बना है एक वास्तु दिखा दीजिए, कोई एक वास्तु। ये कंक्रीट के रास्ते आदरणीय विलासराव देशमुख समय जी के टाइम पे बनना शुरू हुए थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का नगर उत्थान कार्यक्रम बनाया था जिसमें कंक्रीट के रास्ते, कच्चे नालों को पक्का करना, सोलार की लाइट्स लगाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, ये उनके टाइम के काम थे। जो योजना उस मर्तबा तैयार हुई वो अंडर पाइपलाइन जा करके आज आपको नजरों के सामने दिखती है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के अंतर्गत हिंदुस्तान के 65 शहरों का काम हाथ में लिया गया और उसके माध्यम से बसेस लाई गई, पानी की व्यवस्था देने का काम हुआ, उसके माध्यम से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम हुआ।
ये शहर डी कैटेगरी में आता था और ये शहर का नाम उस कैटेगरी में नहीं था, मगर कांग्रेस की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान ये उस कैबिनेट में थे, उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए 950 करोड़ रुपया उस मर्तबा दिया और तब जाके ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और बसेस इस शहर में आई। आज 5 साल हो गया है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार पड़ी है और उस ड्रेनेज सिस्टम को शुरू करने के लिए इनके पास समय नहीं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन लेगा ये इनका टंटा है, उसका टेंडर कौन लेगा ये इनके पीछे का इनकी परेशानी है। मुख्यमंत्री साहब इस शहर में आए, उन्होंने वायदा किया कि हम 24 घंटा पानी देंगे, मगर शहर में आज तक के पानी 24 घंटा नहीं आया, बल्कि पानी का टैक्स बढ़ गया, 7 रुपए से 14 रुपया हो गया। और इतना ही नहीं तो आपके ऊपर गार्बेज का डबल टैक्स लगा दिया गया है। लगाया है नहीं लगाया है? आपके ऊपर हाउस टैक्स के माध्यम से पहले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टैक्स लिया जाता है, मगर उसके बावजूद गार्बेज टैक्स आप पे लगा दिया गया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जमाने में कचरा उठाने का टेंडर चंद करोड़ रुपए में दिया जाता था, इनके जमाने में वो 100 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए, ये पैसे किसके जेब से जा रहे हैं? जनता के जेब से जा रहे हैं। पानी आया नहीं, पानी का टैक्स बढ़ गया। परिवहन सेवा जो चल रही थी वो बंद हो गई। काम हुआ क्या? 5 साल पहले कहा गया था कि टोल नाका हटाया जाएगा, मुंबई के एंट्री पॉइंट के सारे टोल नाके हटाए जाएंगे। क्या मीरा भाईंदर का दहिसर टोल नाका हटाया गया? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये टोल नाका हटाया गया? इस टोल नाके को हटाना ये हमारा प्राधान्य है और हम इसे हटा के रहेंगे। मुझे पता है हमारे ये स्टेटमेंट के बाद में आमदार साहब क्या कहेंगे कि सरकार तो हमारी है, सरकार तो हमारी थी, केंद्र में भी राज्य में भी महापालिका में भी। तो सवाल तो फिर वही उठता है कि अगर सरकार आपकी है, सरकार आपकी थी, तो फिर आपने ये टोल टैक्स क्यों नहीं हटाया? आपने मीरा भाईंदर से भाईंदर लोकल में वृद्धि क्यों नहीं करी? आपने महिला स्पेशल ट्रेन के अंदर वृद्धि क्यों नहीं करी? आपने मीरा रोड लोकल शुरू क्यों नहीं किया? जब सरकार आपकी थी, आप कहते मैंने करोड़ों रुपए इस शहर के विकास के लिए लाया, तो फिर डबल टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, कचरे का टैक्स शहरवासियों पे क्यों लगाया? पानी का टैक्स क्यों बढ़ाया? अगर सरकार आपकी है तो फिर इस शहर के अंदर जो कोर्ट हमने बना के रखा, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसका उद्घाटन क्यों नहीं? अगर सरकार आपकी थी तो फिर 3 बार पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को आपने हैंडओवर किया, नामकरण किया, मगर सरकार को हैंडओवर आज तक नहीं हुआ। वहां पे 50 करोड़ रुपए की मशीनरी सड़ गई, खराब हो गई, वहां से पेशेंट्स को रातों रात निकाल दिया जाता। अगर सरकार आपकी है तो क्यों इस शहर का विकास रुका हुआ है? और अगर सरकार आपकी है तो फिर क्यों इस शहर के अंदर के लोग करप्शन से और अन्याय से त्रस्त है और परेशान है? क्यों परेशान है? लोक प्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता का काम करना, ना कि समाज के अंदर आपस में टंटे लगाना, झगड़े लड़ाना, समाज को डिवाइड करना। जो समाज चाहेगा, हर समाज को मैं भवन दूंगा, ये 5 साल पहले भी कहा गया और अब भी फिर से कहा जा रहा है। मेट्रो आई नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा था कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कि हम 2019 तक मीरा भाईंदर में मेट्रो शुरू कर देंगे। मैंने कहा था कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त कि अगर 2019 तक मेट्रो शुरू हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मीरा भाईंदर में मेट्रो हो गई क्या चालू? लेकिन 9 बार 9 डब्बे उसके आ गए, स्टेशनों के 9 बार नामकरण हो गया, 9 बार भूमि पूजन हो गई। और जैसे ही अभी ये इलेक्शन शुरू हुआ तो वहां पे काशी मीरा भाईंदर रोड के ऊपर डिवाइडर पे पत्रे लगा करके MMRDA का काम शुरू हो गया। इस तरह से लोगों का दिशा भूल करने का काम ये शहर में चल रहा है।
ये हमारा जाहिरनामा है और इस जाहिरनामे में, मैनिफेस्टो में, ये अगले 5 साल में हमको क्या करना है वो हमने लिखा है और पिछले 30-35 सालों में हमने क्या किया है वो भी हमने इसमें लिखा है। शहर 5 साल में नहीं बनता, आपका हमारा परिवार, आपके हमारे अपने बच्चों के लिए भी हमको नियोजन करना पड़ता है कि अगले 25 साल में ये क्या पढ़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, इसकी कॉलेज की, स्कूल की फीस हम कैसे भरेंगे, ये मकान कहाँ लेगा। जब हम अपने औलाद के लिए इतने साल इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं तो क्या आपको लगता है किसी शहर का नियोजन और उसका एग्जीक्यूशन 5 साल में हो सकता है? उसे 25 साल लगते हैं, एक जनरेशन लगता है और एक जनरेशन हमने इस शहर में दिया है। मगर हमने इस तरह की हरकतें नहीं करी कि गरीब को, दुकानदार को, रिक्शा वाले को, ठेले वाले को, इंडस्ट्री वाले को, बिल्डर को, जमीन मालक को, इंडस्ट्री वालों को, मजदूरों को परेशान करने का काम, तकलीफ देने का काम, उन पे अन्याय देने का काम, अन्याय करने का काम हम लोगों ने कभी नहीं किया। क्या कभी सुना आप लोगों ने? क्या कभी सुना आप लोगों ने? मगर ये पिछले 5 साल से म्युनिसिपैलिटी तो जैसे घर का सामान बन गई है, कॉरपोरेशन तो असेंबली बन गई है, असेंबली में जाने के बदले इसी कॉरपोरेशन में बैठे रहते हैं। तो भाइयों, अभी अगला चुनाव इनको आपको कॉरपोरेशन का लड़ाना है 24 तारीख के बाद, इनको वापस कॉरपोरेशन भेजना पड़ेगा। रघुवीर जी, मैं पहली बार विधानसभा में गया, विधान परिषद में, वार्ड का प्रेसिडेंट रहा, ब्लॉक का यूथ का प्रेसिडेंट रहा, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, यूथ का 5 साल, यूथ कांग्रेस का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा 5 साल, 5 साल स्टेट का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, 3 बार नगर सेवक रहा, 2 साल डिप्यूटी मेयर रहा, उसके बाद जाकर के पार्टी ने मुझे विधान परिषद में भेजा और पहले ही 5 साल में राष्ट्रपति का पुरस्कार मुझे मिला उत्कृष्ट काम करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए। और हमारे विधायक को 5 साल में हाईकोर्ट ने कहा अभी कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करो, इसने मैंग्रोव नष्ट किया है, इसने सॉल्ट पैंड नष्ट किया है, इसने वेटलैंड नष्ट किया है, एंटी करप्शन की केस किस पर है तो आप पेपर उठा करके देखिए। इलेक्शन कमीशन ने कंपल्सरी किया है कि अभी आपको सिर्फ एफिडेविट देके नहीं चलेगा तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केस है। तो आज का पेपर उठा के देखिए, कल का पेपर उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवारों के क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड दिया है। कांग्रेस का भी आएगा, दूसरी पार्टियों का भी आएगा, मगर आज पेपर उठा करके आप जब देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस अगर किसी पे है तो भारतीय बीजेपी के 145 के विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार के है, अंधार के है, 22 से 23 केसेस। 5 साल के अंदर हर आदमी ने धन संपत्ति कमानी चाहिए, ईश्वर उसको भर भर के देना चाहिए, लक्ष्मी माता का उस पर कृपा होना चाहिए, मगर लोगों का गला काट के नहीं, लोगों के खीसे में हाथ डाल के नहीं, लोगों पे अन्याय करके नहीं, तो अपनी मेहनत का होना चाहिए। ये शहर में हमने 30-35 साल निकाले मगर कोई ये नहीं कह सकता कि मुजफ्फर हुसैन ने या उनके परिवार ने किसी के जेब से 1 रुपया निकाला है, कह सकता है क्या? अगर ये शहर में से कोई एक व्यक्ति ये कहे और आके बताए कि इन्होंने हमारे पे अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। आपके हमारे भयंदर की इस चौपाटी पे कितना मेहनत किया है हम लोगों ने, उनके ही बीजेपी के सीनियर लीडर रोहिदास पाटिल जी से पूछिए। हमारे तुलसीदास मात्री जी थे, गिलबर्ट मेंडोंसा जी थे, नगर पालिका, नगर परिषद,
इसके जमाने से वो काम चलता आया और तब जाकर के आज लोग वहां पे सवेरे चौपाटी का आनंद लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। मगर क्या हो रहा है इनके राज्य में, जनता को लड़ाई लड़ने के लिए उतरनी पड़ी कि चौपाटी का निजीकरण कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ चौपाटी, के वहां ठेले लगेंगे, दुकानें लगेगी। वो तो जागरूक नागरिक है जैसल पार्क के, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आवाज उठाई और बीजेपी के नगर सेवकों को और आमदारों को वहां से निकल के जाना पड़ा, वहां से निकल के जाना पड़ा। आज ही उनके पार्टी के जो भंडखोर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, एक इंटरव्यू में कह रहे थे, हम बाजू बाजू में बैठे थे नव भारत टाइम्स के लाइव इंटरव्यू में, कि मैं महापौर थी और ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का कनेक्शन का जो टेंडर था उसमें मेरा ऑब्जेक्शन था क्योंकि उसमें कमीशन का गड़बड़ थी। फिर मैंने आईआईटी में कंप्लेन की, मैंने वहां पे पैसे भरे उनके इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उनकी रिसर्च मंगाने के लिए, बाद में पता नहीं क्या हुआ, यही से मेरा टंटा उनके साथ चालू हुआ। तो मतलब आपका भ्रष्टाचार की कोई मर्यादा बची नहीं। आपके पार्टी के नगर सेवक माथा पीटते हैं कि किसके साथ हम हो गए, क्या होगा हमारा। हुकुमशाही, लोकतंत्र में हुकुमशाही नहीं चलती है, लोकतंत्र में आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। मेरे दोस्तों, आने वाले इस 21 अक्टूबर को आपको फैसला करना है। दिल्ली मत देखिएगा, दिल्ली का चुनाव हो चुका है, सरकार बन चुकी है, यह आपके शहर के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। यहां आपको व्यक्ति देखना होगा कि कौन व्यक्ति, किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किसने 30-35 सालों में क्या किया है और किसने 5 साल में क्या किया है, यह आपको देखना है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, आप फेसबुक पे देख सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो, हर जगह क्रिस्टल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट काम है। हम भी स्कूल चलाते हैं, आज भी हमारी स्कूल की फी 500-700 हजार रुपया है, 50 रुपए है, और हमारी संस्थाओं से हजारों बच्चों को मदद की जाती है। पूरे मीरा भयंदर की 75 स्कूल में मेरी संस्था से मदद की जाती है। जिस अस्पताल के संदर्भ में गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाने का काम किया था, उसके संदर्भ में हमको कोर्ट, हम गए, डिफेमेशन का सूट मैंने फाइल किया और कोर्ट के निर्देश पे इनको अपनी गलत वीडियो को निकालना पड़ा। अगर हम गलत होते तो हम कोर्ट में नहीं गए होते, क्योंकि मैटर कोर्ट में है तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर हमने भी आबरू नुकसान का दावा ठोक दिया और इनको वहां पे उसमें से वीडियो अपने सोशल मीडिया से निकालनी पड़ी। अस्पताल हमने बनाया और उसके माध्यम से चैरिटी का काम चलता है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, किसको मदद होती है, किस चीज की मदद होती है, कितने रुपयों की होती है, किस बीमारी की होती है, सब कुछ ऑनलाइन है, चाहे स्कूल का हो चाहे अस्पताल का हो। इनको बताइए, अपने जीवन के सार्वजनिक काम को पब्लिक करने के लिए अगर हिम्मत है तो बताइए कि पिछले 5 सालों में खुद के जाति पैसों से कितनों की मदद करी। हमने तो वेबसाइट पे रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है, आमदारगी के फंड का नहीं, म्युनिसिपैलिटी के फंड का नहीं, खुद के पैसे से कितनी गरीबों की मदद करी, यह आके पब्लिक को बताने की हिम्मत होनी चाहिए। रघुवीर जी, हमने 2000 में इस नगर पालिका को नगर महानगर पालिका बनाई, मीरा रोड के अंदर स्मशान, कब्रस्तान, बुरियल ग्राउंड, जॉगर्स पार्क, इसका आरक्षण था, दलदल थी, लोगों को अंतविधि करने की जगह नहीं थी। एक चीफ ऑफिसर थे इस म्युनिसिपैलिटी में, शिवमूर्ति नायक, मुझे बुलाया एक दिन, मुझसे कहा कि साहब आप समंदर हो, समंदर से एक लोटा पानी चला जाएगा तो पता नहीं लगेगा। ये आज इनके साथ में जो उप महापौर जो हमारे पार्टी में थे उनको पूछेगा ये बात, और ये अल्फाज अगर गलत है तो। मैंने उस वक्त अपना पर्सनल 6 करोड़ रुपया लगा करके बनाया,
पर्सनल पैसा, खुद की मेहनत का पैसा। मैं उस वक्त 2000 से 2002 नगर पालिका में कॉर्पोरेटर नहीं थी, क्योंकि नगर परिषद से महानगर पालिका बनी थी। 6 करोड़ रुपया उस वक्त लगा के बनाया। आज अगर वो 6 करोड़ रुपया अपने कारोबार में शायद लगाया होता तो मेरे पास भी 600-6000 करोड़ रुपए की जमीन और प्रॉपर्टी होती। मगर हमने धर्म कर्म का काम किया। आज ये वहां जाके मेजोरिटी के बेसिस पे 20 साल तक हमने उसको मेंटेन किया, खर्चा किया, कभी हमने इसको पब्लिकली बोला नहीं, क्योंकि वो धर्म कर्म का काम था। मगर आज मेरे साथीदार मुझसे कहते हैं कि साहब, आप लोगों की मदद बंद मुट्ठी करते हो, लोग तो नाखून भी नहीं कटाते और अपना नाम शहादत में लिखाते हैं। इसीलिए मुझे ये पहलने की वक्त आया। आज मेजोरिटी के बेसिस पे वहां से स्मशान से हमारा नाम निकाल दिया, मेंटेनेंस हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र है। लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आपका नाम निकाल दिया। अरे मैं कहता हूं, जो लोगों के दिल में बसता है उसका वोट निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वोट निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा रोड का स्टेशन परिसर हमने बनाया, उद्घाटन इन्होंने किया, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, सरकार इनकी बन गई। अब भयंदर का रेलवे स्टेशन का नक्शा आपको बना के दिया गया है आपके सामने। बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत सुंदर तस्वीर आई है, उस मैनिफेस्टो को संभाल के रखिए, उस मैनिफेस्टो को संभाल के रखिएगा। अगले 5 साल के बाद मैं भी आऊंगा, एमएलए के रूप में आने वाला हूं, यह भी बताता हूं आपको, और वो भी आएंगे। और गलती से कभी बन गए तो उनका मैनिफेस्टो जरूर संभाल के रखिएगा और मेरा मैनिफेस्टो भी संभाल के रखिएगा। मैं अपने लिए कहता हूं, मैं 5 साल के बाद जब आऊंगा तो मुझसे जरूर सवाल पूछिएगा कि हुसैन साहब, आपने ये लिखा था, क्या हुआ इस काम का, मुझसे जरूर पूछिएगा। अब जब वो आपके बीच में आएंगे तो उनसे पूछिए कि पिछले मैनिफेस्टो में, जाहिरनामे में जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों के संदर्भ में एक एक करके जवाब दीजिए। बोलिए पूछोगे या नहीं, वरना फिर आपको गुमराह किया जाएगा, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे, प्रांत के नाम पे, इस पे गुमराह किया जाएगा। अरे हम तो सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जब ये राजनीति में भी नहीं आए थे तब मीरा रोड के जैन मंदिर में मूर्ति भराई थी हमने, जाके देख लीजिए हमारे नाम से मूर्ति वहां दर्शन में है या नहीं। लेकिन हमने कभी उसका राजनीतिकरण नहीं किया। इस शहर में पता नहीं कितने मंदिर बने हैं, भगवान का घर भगवान बनाता है, मनुष्य को बनाने की उसकी औकात नहीं, आपकी हमारी ताकत नहीं कि हम ईश्वर का घर बना ले। अरे जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, मनुष्य बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, हम क्या उसका घर बनाएंगे। हमको तो अगले पल की पता नहीं कि मैं यहां खड़े खड़े कब मर जाऊं, मैं यहां खड़े खड़े कब मर जाऊं, अगले पल का पता नहीं। तो भगवान का घर तो ईश्वर ही बनाता है, मगर भगवान भी उसी से बनाता है जिससे भगवान की इच्छा होती है। इनके तरह नहीं कि किसी और परिवार ने मंदिर बनाया मगर पत्रिका सब इनके नाम से छपती है। हमने तो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, चर्च बनाया, धर्मस्थल बनाए, अंतविधि की जगह बनाई, मगर कभी पत्रिका नहीं छापी, कभी बोर्ड लिख के नहीं लगाया कि मुझे गर्व है। क्योंकि गर्व शब्द से अहंकार की आवाज बदबू आती है। आदमी ये कह सकता है कि मुझे खुशी है कि मैंने शहर में ये अच्छा काम किया है, मुझे खुशी है कि मेरे वजह से सारा समाज आनंदित है,
ये गर्व शब्द से तो हमको अहंकार की बदबू आती है, मैं पड़े की बदबू आती है। रावण कितने बड़े ज्ञानी थे, मगर जब अहंकार में डूब गए तो कितनी बड़ी गलती कर दी। तब उनका अंत करने के लिए भी मनुष्य जाति ईश्वर ने नहीं भेजा, तो एक वानर ने उनका अंत किया। यह धर्म सिखाता है, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भी वनवास जाना पड़ा, यह बताने के लिए कि सबका वक्त अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपका वक्त नक्की बुरा आने वाला है। और इस शहर के आमदार का कर्म कैसा है, अरे हाथ उठा के बताइए कैसा है। अभी भाई साहब आपने कहा बुरा है, मगर कल वो आएंगे भाई साहब, आपके मंडल कमंडल सोसाइटी दान दक्षिणा का विषय चलेगा, ले लोगे क्या? अरे आपके जेब का पैसा है, हर साल 5-7 हजार रुपए का डाका पड़ा है आपके जेब से, जो टैक्स पैसा म्युनिसिपैलिटी को आपने भरा है उसमें से 25% जो कमीशन गया है, जो करप्शन हुआ है वो आपके टैक्स का पैसा है। घर जाके हिसाब कीजिएगा तब पता लगेगा कि हर साल कितना पैसा आपका करप्शन में गया और उसके बदले में आपको कितनी चवन्नी मिली मंडल कमंडल दक्षिणा दान धर्म के नाम पे। अरे पैसा ही अगर बांटना है दान धर्म करना है तो वो मेहनत का पैसा होना चाहिए, मेहनत का, भ्रष्टाचार का नहीं। हम तो ठाकी छाती ठोक के कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने शहर में सेवा करी है और सिर्फ सेवा करी है। और आज भी पिछले 3 साल रघुवीर जी मेरी स्पाइन की 3 सर्जरी हुई, 3 साल मैं बेड रिडन था, 3 साल बिस्तर और हॉस्पिटल में था, और लोग शहर के मुझे मिलने आते थे और मुझसे कहते थे कि साहब आपने भकासुर खड़ा किया, आपको खत्म करना होगा, आपको इस शहर को बचाना होगा, इस अन्याय से बचाना होगा, इस अहंकारी को खत्म करना होगा, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और आज इसीलिए जबकि मेरे डॉक्टर्स और परिवार की ये नसीहत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाहिए, मगर इस शहर के लिए, इस शहर की जनता के लिए मैं इस करप्शन और अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ इसमें दोगे। आने वाले 21 अक्टूबर को हाथ के पंजे पे सीरियल नंबर 3 पे मुजफ्फर हुसैन के नाम के सामने हाथ के पंजे पे बटन दबा के मुझे बहुमतों से चुन के भेजोगे, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा आप लोगों से। ये पीछे हमारे रमेश जैन जी बैठे हैं, 95 में जब मीरा रोड की जैन मंदिर की स्थापना हुई, मूर्ति भराई गई, ये संघ के अध्यक्ष थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी शहर में मंदिरों को और भगवानों को लेकर के, दर्शनों को लेकर के, धर्म को लेकर के इस तरह से जातिवाद और धर्मवाद फैला जाएगा। किसको पता था कि मैं आमदार की यहां से हाथ लड़ूंगा 25 साल पहले। मगर जो काम दिल से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, उसकी चर्चा नहीं की जाती, इसलिए हमने किया और जिंदगी भर करते रहे, सभी धर्मों का करते रहे, आज तक करते आए हैं और इसके आगे भी करेंगे। हमने ना कभी जात पे, ना धर्म पे, ना भाषा पे, ना प्रांत पे कभी इन मुद्दों पे वोट नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगते हैं। आज भी हम सिर्फ इस शहर के विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ में मैं वोट मांगता हूं। दोनों हाथ उठा करके बताइए, आखिरी बार बताइए कि आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।